ये भक्त का गुण है। दुनिया भगवान के ऊपर ही दोषारोपण करती रहती है, अपनी क्रिया को नहीं देखती है। कुछ भी गड़बड़ हो जाए, ये तूने क्या किया, हे भगवान तूने ऐसा क्यों किया। भगवान कहते मैंने क्या किया, तूने जो किया उसी का तो फल मिल रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन लोग भगवान को सक्सेस मिल जाए तो यस आई डिड इट, मैंने किया, मेरे मैं करता अहम इति मन्यते, मैं ही करता हूं, इस भाव से करता हूं, कर्ता की भावना से अपने आप को सारा का सारा क्रेडिट देता है। लेकिन जब कुछ गलत हो जाए तो भगवान पर दोषारोपण। लेकिन डिवोटी को कैसा होना चाहिए कि अगर फल मिले तो बोलना चाहिए, हे प्रभु आप पतित पावन है इसलिए मेरे जैसे पतित पर आपने कृपा करी, ये फल मिला है। और कुछ कुछ बुरा हो जाए, ओहो प्रभु मैंने क्या पाप किया जिसका फल आज मैं भुगत रहा हूं। यानी कि अपने गलत पर अपने को दोषी ठहराना और अच्छे पर भगवान को क्रेडिट देना, गुरुजनों वैष्णवों को क्रेडिट देना, ये एक भक्त का लक्षण है। जैसे बताते हैं कि जो लोग क्रेडिट ले लेते हैं किसी भी चीज का, है ना, वो लोग के बारे में एक बता रहे थे कि लोकनाथ स्वामी महाराज, कि जब वो लोग पद यात्रा में जाया करते थे तो बताते हैं कि बैलगाड़ी पर प्रचार होता था और पुस्तक कीर्तन करने के लिए जाते थे, संकीर्तन आंदोलन, तो पुस्तकें रखते थे बैलगाड़ी पे, आगे बैल होते थे और फिर कीर्तन करते थे। तो कुछ समय बाद जब चलते चलते किसी किसी गांव में जब बैल थक जाते थे छोड़ करके दूसरे बैल लेते थे और फिर आगे चलते थे। तो एक गांव में पहुंचे प्रचार करते करते, जब श्रील प्रभुपाद उस समय द्वारका गुजरात में थे तो उनसे मिलने के लिए जा रहे थे, और बीच में गांव पड़ा, उस गांव में बैल तो नहीं थे गधे थे, तो उन्होंने वो गधे से रिप्लेस कर लिया बैल को, बोले गाड़ी तो चलानी है गधे दो लगा लो। अब जब गधे चल रहे थे लेकिन गधों ने गुजरात तक पहुंचने में बड़ी देर लगा दी, क्योंकि गांव के लोग आकर प्रणाम करते थे, गधे सोचते थे हमको कर रहे हैं, और वो रुक जाते थे सम्मान लेने के लिए रुक जाते थे। तो वो ये नहीं पता था कि मेरे ऊपर जो है ना गौर नेता डीटीज है, श्रील प्रभुपाद का विग्रह है, उनको आकर गांव वाले प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन जो डोंकी मेंटेलिटी बोलते हैं ना, उसको ऐसा लगता है ये मेरे कारण है। आज हम जाते हैं मार्केट में, कोई बोलता है हरे कृष्णा प्रभु जी, हम बोलते हैं मैं शायद यूट्यूब देखा होगा इसने। लेकिन वो श्रील प्रभुपाद जी के कारण है। प्रभुपाद ना होते, गुरुजन ना होते, हमें वैष्णव तिलक ना मिलता, ये धोती कुर्ता ना मिलता, तो कौन हमको हरे कृष्णा प्रभु जी कहता। तो अगर हम जैसे कोई बोले, तो एक बार मैंने पूछा था एक महाराज से कि जब हम जाते हैं प्रचार में तो बहुत सारे लोग आके चरण वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, इसको कैसे समझें, हम तो इस लायक नहीं है, ना करें तो सामने वाला कहता है कि कैसे लोग हैं इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला जब भी कोई आकर के ऐसा करे तो मानसिक रूप से अपने गुरुजन वैष्णवजनों को उसका सारा का सारा क्रेडिट दे देना चाहिए कि मेरा नहीं है, यह आपका है, आप ही संभालिए, मैं तो खाली इंस्ट्रूमेंट बनाओ, निमित्त मात्र हूँ, आपके सामने मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। इस भाव से अगर करें तो कभी भी उस व्यक्ति को कोई अहंकार या कलमश नहीं सताएगा, तो प्रचार भी होता रहेगा और आप फंसेंगे भी नहीं। तो ये तरीका मानसिक रूप से जैसे कोई आकर प्रणाम करे तो बोल देना चाहिए जय श्री प्रभुपाद, जय गुरुदेव, बस ये आपका है, आप ही को समर्पित है। तो इस तरह से हम कलमच से बच सकते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।